فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم له अलहमदिल्ल अल्हदुल्लफ़फ़ा वसलात वसलाम अलाबादीफ़ा अम्माबाद फ़ौज़ुबिल्ल समअली शैतान वजीम वन कुन तुम फ़िर बिमा नब्दिना फ़ातु बसूरा तम मिसलही वद ओ शुहदा दून कुन तुम स्वादिन فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْهِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا वलहम फीहा फी खाले बबली सदरी वयसरली अमरी वहलू लुकद तम इले कौली अल्लाह रबाल हिम ना रुशदा ना वायजना मिन शरूर अन फुसे ना आमीन या रब लाल ला अमीन सूरा बकरा दीसरा रकू जिनू असी पढ़ रहे हाँ दियालिया दो आयतों के वो दावत सी अल्लाह दी बंदगी दी जड़ी मक्की कुरान दे कुरानी बयान हुई सी उदा खुलासा आ गया हूँ अगलिया दो आयतां विच ईमान बे रसालत दा जड़ा तकाजा है वह बयान किया जा रहा नबी अकम सल्लल्लाहु अलैहि सल्हसम दी सदाकत दी रसालत दा सब तो व्डा सबूत खुद कुरान मजीद है अल्लाह ताला ने जिन्हें भी पैगंबर कल ने असूल कल ने उस वेले जी लोगों के अंदर राज, सब तो वीडी कोई दी रस्म होंगी सी या उन्हों का इलम हूँ सलाह ओहज से दे के अपने रसूलों को सी। से हतमूसा आई इस्लाम दे वेले जादू बहुत सी हतमूसा आई इस्लामू अल्लाह तला ने ਉਹ ਮੂਜਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਉਸ ਜਾਦੂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਝੂਠਾ ਹੋਣਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। حضرت ঈਸਾ علیہ السلام ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਿੱਬ ਬਹੁਤ ਵੱਧੀ ਹੋਈ ਸੀ। حضرت ঈਸਾ علیہ السلام ਨੂੰ ਉਹ ਮੂਜਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਬੀ ਅਕਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੜੇ ਹਿੱਸੀ ਮੂਜਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਹਨ उन्हरी तो उन्होंने जबानदानी का बड़ा रवाज और वो बड़ा माण करते नबी अकम सल वसलम अल्लाह ने वो मौजा दिता कि जड़ा के सामने पेश किया गया कि ताकि उन्होंने पता लग जाए कि ये जो कुछ भी दिता गया अल्लाह का कलाम है किसी इंसान का कलाम नहीं बारे कुराने मजीदिफ़ मकामा यह चैलेंज दिता गया कि अगर तुम नहीं मानते अल्लाह का कलाम है तो तुम ये तुम्हें भी योजा ये कलाम लियाओ या कुछ सूरत बना लियाओद आखिरी चैलेंज जड़ा है वह है जे इस मदनी कुरान के आया फरमाया वन कुन तुम फीर ए बिमा नजल ना आला अब देना अगर तुम शक बच्चो कि जरा असि नाजल कर रहे हैं अपने बंदे सल अला वसलम त फातू बे सूरत इमलेही तो तुम भी योजी एक सूरत बना लियाओ वधू कुमेंदू नीला और जिन्हों भी अपनी मदद तुसा तुला है उन्होंने भी बुला लो जो भी ती मिल के करना चाहते हो जिन्हों भी मदद लदना चाहते हो उन्होंने भी सद लो इनकुंतुम सादयकीन अगर तुम अपने सदावे सच्चे हो कि अल्लाह का कलाम नहीं बल्कि इन्हों कलाम है तो फिर ती सारे मिल के ਇਹੋ ਜੀ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਬਣਾ ਲਿਓ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਕਲਾਮ ਹੈ ਇਹੋ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਨੇ ਉਸ ਵੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਰ ਅਜ ਤਾਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਸਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹੋ ਸਦਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਮੂਜਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਅਕਮ ਸੱਲੱਲਾਹ ਸਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਆਮਤ ਤਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੈਲੰਜ ਰਹੇਗਾ यही बौजा है जरा सूरा यूनस भी यदा जिक्र आया सूरा हूद भी सूरा बनी इसराइल भी और सूरा तूर भी और आखिरी बार इत है इस चैलेंज के पेश किया गया फाइलम त फालू अगर तुम इन पूरा ना कर पाओ वलम त फालू और हर किस नहीं कर पाओगे फट तक उन्ना रल्लाती वकू दुहन्ना सवल हजारा तो फिराओ बचन की कोशिश करो सग तो जिदा बालण हो इंसान भी ते पत्थर भी वो इद्दत लिल काफरीन अल्लाह ताला ने तैयार की हुई है काफर ना मन वाले है कुरान मजीद का चैलेंज जड़ा फरमाया तो हरगिद ऐसा नहीं कर सकते कोई आयत ऐसी नहीं कोई सूरत नहीं बना के लिया सकते और ना ही इस कुरान मजीद वर्गा कोई तुम कलाम पेश कर सद तो फिर आओ मान लो कि अल्लाह का कलाम है ये किसी इंसान का कलाम नहीं यो है जरा अल्लाह तला ने नाज़ल किया और यो चाइलेंज है जिन्होंने कहता तुम फैलम त फा लू व लन त फा लू तुम हरग नहीं कर पाओगे क्योंकि अल्लाह तला पता है कि किसी इंसान के वस में नहीं कि अल्लाह ताल वर्गा कलाम जो कोई तसनीफ कर सके या अल्लाह वर का वर्गा कलाम दे सके तो फरमाया फो बचन की कोशिश करो उस अग तो कि जेदा फिर बालन बन गए इंसान भी और वो पत्थर भी ऐसी अग होएगी जी पत्थर बिगाड़ देगी ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਮਰਾਦ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਪੂਜਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਨਕੁਮ ਵਮਾ ਤਬਦੂਨ ਮਿੰਦੂਨ ਅਲਾਹ ਸਭ ਜਹੰਨਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਗਲ ਜਾਣ ਨਬੀ ਅਕਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਾ ਕੌਸਰ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਈ तो हज़रत अली रजी अल्लाह तला ने इस सूरत लिख के यदि तीन आयत खाना काबा दे टंग देती है। ताके पता लग जाए अगर कोई चाहता है कि नहीं मनता है कि अल्लाह का कलाम नहीं तो एक चौथी आयत ही लै आवे इसकिन भी कोई कर नहीं पाया है वो पुराने मजीद की शदाकत का सबूत जहरा कि मजीद ने लोगों के सामने रखा है कि अल्लाह तौला कलाम है इस करके इस चीज़ को तस्लीम कर लो फरमाया वबशरिली नाम अनु वामिलुस्सुआ ते बशारत दे दो, खुशखबरी दे दो ईमान जेडेमान लो इस चीज़ नू मन नाकई अल्लाह का कलाम है वामिलुस्सुआ लिहा और फिर इस दे मुताबिक नेक अमल करहम जन्नात इंतजरीम इंतहते अल्लाहार बेशक उन्होंने वास्ते बाग ने जिन्ह के थलो नदियाँ बह रही हो उल्लमा रोजेकू मिन हा मिनि समर ते रिज हम जो उन्होंने रिजक दिता जाएगा फलां का उस जन्नत दे विच। कालू हाज अल्ला जी रोजक नामिन कबल तो कहेंगे तो ऐसा ही रिजक है जैसा सू पहला मिले बहुत बेही मोतशाह है और अल्लाह ताला इस दुनिया के रलता मिलते उत ही फल देगा उ रिज्क देगा क्यों इंसान जन चीज़ों जानता है ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇਮਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹੈਸਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੈਸਾ ਰਿਜ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਤਾਸੀਰ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਖਾਤੇ ਆਇਆ ना ही कोई हाजत होएगी इंसान और ना ही बॉल आएगा ना ही उसके उत्ते कोई वो पेट में वजह तो कोई गड़बड़ होएगी वह तूबे ही हा, तो फरमाया